कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसे हम लोग दो तरीके से प्रूफ करेंगे, इसे प्रूफ भी करना आता है। नाइन्थ क्लास में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन आप जब इलेवेंथ में आते हो तो इसका जो कॉन्सेप्ट, इसका जो यूज है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सब मिलजुल के, तब ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और नाइन्थ क्लास में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो अगर नाइन्थ क्लास में हम लोग पढ़ते होते तो क्या हो जाएगा, इजिली आप इस चीज को समझ सकते हैं, आ जाता आपको। तो नाइन्थ में है नहीं, इलेवंथ में चुकी। तो अब क्या हुआ, मैं आपको दो तरीके से करके बताऊंगा कि हमें जो आपको अच्छा लगे आप उस चीज को अडॉप्ट कर लेना हमें, ठीक है ना। तो पहला क्या है, सबसे पहले देखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि कोई सिस्टम, सिस्टम मतलब हो सकता है उसमें दो पार्टिकल्स भी हो, चार पार्टिकल्स भी हो, पांच पार्टिकल्स भी हो, या बहुत सारे पार्टिकल्स हो, समझ रहे हैं। कहता है कोई सिस्टम है वो क्या है, एक मोशन में, वो मोशन में है, तो वो किसी तरह से जब एक दूसरे से टकराता है, ये कर कुछ भी करता है वो, तो कहता है जो सिस्टम है ना उसका टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा। उस सिस्टम का टोटल मोमेंटम सिर्फ एक से दूसरे में क्या होगा, वो ट्रांसफर होगा, कभी इसका ज्यादा हो जाएगा, कभी इसका ज्यादा हो जाएगा, कभी इसका कम हो जाएगा, कभी इसका कम, ये चीजें होगी। लेकिन सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम जब निकालिएगा तो वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कब, जब बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा, बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं करना चाहिए। तो सिंपली आप सोचिए कि मान लीजिए हमारा जो है एन पार्टिकल्स है। मैं आपको पहले सेकेंड लॉ से प्रूफ करके दिखा रहा हूं, न्यूटन के सेकेंड लॉ से कैसे हम लोग इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं। फिर थर्ड लॉ जो कि आप लोगों ने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा, उस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, प्लीज यहां देखिएगा। सपोज कीजिए हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, है ना, हर एक सब किसी का मास m1 है, m2 है, m3 है, अप टू n टर्म्स, है ना। उसकी रिस्पेक्टिव वेलोसिटी कितनी है, v1 है, v2 है, v3 है, ठीक है। अब हर एक का जो मोमेंटम हम निकालना चाहेंगे तो p1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 v1, दूसरे पार्टिकल्स का मोमेंटम क्या हो जाएगा, m2 v2 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो हम जानते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ, हम लोग जानते थे F प्रोपोर्शनल किसके होता था, dp बाय dt। मतलब सेकेंड लॉ कहता है जब किसी बॉडी पर एक्सटर्नली हम फोर्स लगाते हैं तो वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, dp बाय dt के। ऐसा करते हम लोग इक्वल टू इसको कर देते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा k, और हम लोगों ने प्रूफ किया था k की वैल्यू कितनी आती है इसमें, वन आती है। तो F हम डायरेक्ट यहां पर यूज करेंगे, F इज इक्वल टू dp बाय dt। F हमारा फोर्स है, p हमारा क्या है, मोमेंटम है। तो dp बाय dt मतलब हो गया रेट इन चेंज इन लीनियर मोमेंटम, dp बाय dt क्या हो गया हमारा रेट इन चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अब आप थोड़ा सा सोचिए, हम लोग थोड़ा पीछे की तरफ जाते हैं और सोचने की कोशिश करते हैं कि अगर y इज इक्वल टू x की पावर 2 तो dy अपॉन dx कितना होता था मेरे बच्चों, रूल जब यूज करते थे पावर सामने आता था, x की पावर एक कम हो जाता था, यानी क्या हो गया हमारा 2x आंसर हो जाता था, है ना। अगर मान लो y इज इक्वल टू है 8, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी कांस्टेंट की जो कांस्टेंट वैल्यू है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है ना। तो अब देखते हैं इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बताता है अगर कोई फोर्स एक्ट बाहर से नहीं कर रहा है, यानी एफ हमारा एक्सटर्नल फोर्स था, इफ एफ इज इक्वल टू जीरो, अगर हमारा एफ जीरो हो गया इसका मतलब क्या हो गया, डीपी बाई डी टी भी क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि पी का जो हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में वो कितना आ जाएगा, जीरो। हमने कुछ देर पहले जाना था क्या, जस्ट देखा था कि किसी का भी अगर कांस्टेंट का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो जीरो आता है, इसका मतलब पी की वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट है। तो पी हमारा क्या हो गया यहां पर, पी इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब लीनियर मोमेंटम जो हमारा क्या है वो फिक्स है, जो पहले था वही चीज हमारा क्या हो गया। अब सिंपली ऐसे भी सोच सकते हैं डीपी इज इक्वल टू जीरो, मतलब क्या, चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल, डीपी तो जीरो होगा नहीं, डीपी उधर चला गया, समझ रहे बात को, तो डीपी इज इक्वल टू जीरो आ गया। और जब हमारा डीपी इज इक्वल टू जीरो आ गया तो इस कंडीशन में क्या हुआ, डीपी जीरो हो गया, चेंज इन मोमेंटम जीरो, चेंज इन मोमेंटम जब जीरो हो गया इसका मतलब मोमेंटम चेंज नहीं हुआ, जितना पहले था उतना हमारा बाद में रहा। ये था हमारा सेकेंड लॉ के हेल्प से, है ना, किसके हेल्प से था ये था सेकेंड लॉ के हेल्प से। अब हम लोग करने वाले हैं किसके हेल्प से, थर्ड लॉ के हेल्प से। जल्दी पहले इसको आपको बता दीजिए, सपोज कीजिए ए और बी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, इसकी स्पीड है यू ए, इसकी स्पीड है यू बी, ठीक है। अब ये क्या होता है, टक्कर खाता है, टकराता है, कोलाइड करता है, और टक्कर लेने के बाद ये फिर ये जो है इस डायरेक्शन में वी ए और वी बी के साथ ये क्या होता है,
इसका मास ले लिया हम लोगों ने एम ए, इसका मास ले लिया एम बी, एम ए और एम बी। ये बताइए टक्कर से पहले इसका टोटल मोमेंटम कितना है? टक्कर से पहले इसका टोटल मोमेंटम है एम ए यू ए, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। इसको हम लोग बोलते हैं टोटल मोमेंटम, इनिशियल, इनिशियली टोटल मोमेंटम ये था हमारा। टक्कर के बाद टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा? देखिए तो एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। ये कहता है अगर बाहर से हम कुछ ना करें, अपने आप जो भी कर रहा है अपने कर रहा है, खुद से कोलाइड हो रहा है, खुद से सेपरेट हो रहा है, अब बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए हम लोग, तो कहता है कि ये जो आफ्टर और बाद वाला होगा मोमेंटम वो क्या होगा? सेम होगा। यही है कंजर्वेशन ऑफ, मतलब कि आप कुछ भी वापस में करें लेकिन फाइनली जितना था और इनिशियली जितना हो है और जो फाइनली था, दोनों क्या हो जाएगा हमारा? समझ रहे बात को? तो सेम दिखाना था। अब हमने क्या किया, तो हमने लगा दिया भाई, मान लिया कि ए ने बी पर जो फोर्स लगाया वो कितना है, एफ ए बी, यानी कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, और एफ बी हमारा क्या आ गया, फोर्स ऑन, फोर्स ऑन बी ड्यू टू, ड्यू टू ए हो गया। तो न्यूटन ने क्या कहा है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एफ ए बी बराबर हो जाएगा माइनस एफ बी ए के, होगा कि नहीं होगा? अब तो आप सोचिए, तो एफ ए बी है, जब ए पर फोर्स लगाएगा कौन, बी, तो ए के मोमेंटम में चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा ना। और बी, और उसी तरह जब ए लगाएगा बी पर फोर्स, उसके मोमेंटम में भी चेंज आएगा, आएगा कि नहीं होगा? और ये जो चेंज आने में कुछ तो टाइम लगा होगा, मान लो यहां से यूए से यूवीए होने में इसको डेल्टा टाइम, जितना टाइम में ये चेंज हुआ उतने ही टाइम में ये भी चेंज हो गया। समझ रहे हमारी बात को? तो अब देखिए, तो फोर्स जो ए बी पर लगा, जो ए पर बी के द्वारा फोर्स लगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, समझिएगा ध्यान से, उसमें क्या होगा, ए में चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा। तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, रैंक इन चेंज इन लिनियर मोमेंटम की, है ना। तो इस कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम इन ए अपॉन में डेल्टा टी बराबर चेंज इन मोमेंटम इन बी अपॉन में डेल्टा टी, डेल्टा टी डेल्टा टी कैंसिल हो गया, चेंज इन मोमेंटम इन ए कितना हो गया, देखिए फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम ए वी ए माइनस एम ए, एम ए यू ए, है ना, इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी बी, डेल्टा पी बी क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम इन बी, कितना है पहले, एम बी वी बी, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी, एम बी यू बी। अब क्या कहते हैं, जैसे माइनस को करेंगे तो ये माइनस हो गया, ये क्या हो गया हमारा प्लस, तो एम ए वी ए यहां पहले से बैठा हुआ है, इधर से एम बी वी बी वी आ गया, और यहां एम बी यू बी पहले से बैठा हुआ है ना, माइनस इधर था तो प्लस चला गया, क्या हो गया, एम बी यू ए। समझ रहे हमारी बात को? ये हमारा क्या था, देखिए तो फाइनल मोमेंटम था, ये क्या था हमारा, इनिशियल मोमेंटम था। इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो नेट मोमेंटम होगा सिस्टम का बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन वो क्या होगा, सेम होगा। ये था हमारा लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, किसके हेल्प से, थर्ड लॉ के हेल्प से हम लोगों ने इस चीज को कर दिया, ठीक है।